शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के इस महासंकट में देश का बड़ा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते सभी प्रतिष्ठान बंद है, ऐसे में जरूरतमंदों के सामने काफी समस्या आ रही है। लोगों की इस समस्या को देख भाजपा दक्षिण नागपुर की ओर से रोजाना जरूरतमंदों को भोजन दिया जा रहा है। अभी तक 5000 से भी ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। भाजपा के इस किचन को विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भेंट दी है। उन्होंने भोजन वितरण की जानकारी पदाधिकारियों से ली है। 22 मार्च को हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, इन्होंने जनता कर्फ्यू डिक्लेयर किया था। उसके पश्चात दूसरे ही दिन से हमारे लाडले आमदार दक्षिण नागपुर के आदरणीय मोहन जी मते, इनके नेतृत्व में हमने दूसरे ही दिन से दक्षिण नागपुर में रहने वाले जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, जितने भी हॉस्पिटल्स है, दक्षिण नागपुर के सभी पुलिस स्टेशन, सभी मंदिर, गिरिजाघर, दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारे, सभी जगह पर जहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनको सुबह शाम खाना खिलाने का काम हमने शुरू किया। और उसके बाद में जब यह बढ़ते गया कि ये लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद से ही लेके, यानी जैसे 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था, तो 15 अप्रैल से हमने करीब करीब 5000 लोगों को दक्षिण नागपुर में, जो गरीब लोग रहते हैं, जो गरजू लोग रहते हैं, जो सुबह दिन भर काम करते हैं, शाम को जिनको अनाज मिलने के बाद में खाना खाते हैं, जो लेबर वर्ग है, जो केस कर्तनालय है, जो मोची है, जो मोटर मैकेनिक है, जो कारपेंटर है, ऐसे अलग अलग ऑटो रिक्शा वाले हैं, ऐसे अलग अलग तबके के लोगों को हमने खाना खिलाना शुरू किया। सुबह हम लोग हमारे यहाँ पर दक्षिण नागपुर में करीब करीब आज के तारीख में 24 सेंटर है जहाँ से हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। इस 24 सेंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर अपना घर से टिफ़िन लेके आते हैं, उनको हम लोग टिफ़िन में पूरा खाना भर के देते हैं, और उसमें उस टिफ़िन में वो अपने घर पे जाके निवांत रह के, यानी शांति से अपने परिवार के साथ में वहाँ पर भोजन करते हैं। और यह परंपरा लगातार आज तक जारी है, और इसमें संख्या, आज की संख्या जो है वो करीब करीब 9,500 लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं। तो इसमें जब वो खाना खा के यहाँ से हम जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, उस समय हमारे वहाँ के नगर सेवक, हमारे वहाँ के जो प्रमुख पदाधिकारी है, वह उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, और एक प्रकार का समाधान व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मौसम में, इस समय पर सबसे अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जो सभी गरीब और गरजू लोगों के काम में आ रही है, जो लोगों को खाना खिला रही है, हॉस्पिटल्स की सेवा उपलब्ध करके दे रही है। करीब करीब हमने 10,000 लोगों को धान्य की किट भी बांटी हुई है कि जहाँ पर कुछ आजी आजूबा रहते हैं, कहीं पर कुछ विधवा लोग रहते हैं, कहीं पर कोई अपंग या दिव्यांग लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने धान्य की किट दी है। वो लोग भी, ये भी हमारी एक सेवा का एक मौका हमको मिला है। आज के दिन, आज हमने